जय हिंद दोस्तों, यूडीसी आर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच में खेले जाने वाला जो आपका नेक्स्ट इंडियन डोमेस्टिक टी20 ट्रॉफी का मैच है, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्राइम प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले कुछ अपडेट्स जो आपको जानना ज़रूरी है उसके बारे में आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, देखिए ये वाला सब्सक्राइब का बटन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों। क्यों तो आप बोलेंगे, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, है ना? सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये कि देखिए हर एक मैच की वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी और फाइनल टीम हम यहीं पर शेयर करते हैं दोस्तों। जो लास्ट का मैच था दोस्तों, ये देखिए कल रात का जो ECS का मैच था, उसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस देखिए, हमने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 5 कॉन्टेस्ट, पर कितने विन किए, 5। एक तरफा हमने क्लीन स्वीप किया था दोस्तों। ये हमारी टीम थी, ये देखिए हमारी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टीम के 11 में से 9 प्लेयर्स, ड्रीम टीम में से सिर्फ 2 प्लेयर्स को हम हटा देना, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों, 24 और 12 पॉइंट इन्होंने भी दिए, इन दोनों को हम हटा देना, सभी हमारे टॉप स्कोरर्स में से थे दोस्तों। पर ये हमारी सिर्फ ये नहीं दोस्तों, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, ये सिंगल टीम, देखिए आपके सामने दोस्तों। तो आप बोलेंगे ये टीम क्या आपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था दोस्तों, ये देखिए ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। मैच शुरू होने के 5 मिनट 3 मिनट पहले ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। जो भी हमने तो एक तरफा विन किया, जो भी लोग हमसे जुड़े उन्होंने भी एक तरफा विन किया होगा आराम से, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन कौन से दोस्तों, BD Lee दोस्तों। सब लोगों ने बाबर आजम को कैप्टन बनाया हुआ था, हमने इनको टीम में ही नहीं रखा था दोस्तों, इमामुल हक को नहीं रखा था, हमने टॉप के सारे बॉलर्स को और यहाँ से नेदरलैंड के बेस्ट प्लेयर को हमने अपना कैप्टन बनाया था, जिनको किसी ने नहीं बनाया दोस्तों। हमने एक तरफा विन किया दोस्तों, एक भी प्लेयर फ्लॉप नहीं था। डिफरेंस देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हम जीते थे ये मैच। ये देखिए हैरिस रूफ हमारे वाइस कैप्टन थे इस मैच में, अगर हमारे वाइस कैप्टन, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम थी दोस्तों, ये भी याद रखिए, इनको ना बना के इनको अपना वाइस कैप्टन बनाते ना हैरिस रूफ को, हम ग्रैंड लीग आसानी से जीत जाते दोस्तों। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम आप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है ना, तो वो भी आपको बता दें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और सबसे पहला जो आपको लिंक दिखेगा दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो लिंक है, यही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों। इस लिंक पर आपको टैप करने से ये लिंक आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे जो कि है इस पे लेके आएगा, और नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है ठीक इस जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे चैनल को दोस्तों, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर हमारे बाकी यूज़र्स की तरह आपको भी एक तरफा जीतना है, आपको हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अभी मैच के बारे में आपको, तो दोस्तों अगर हम अभी इस मैच के बारे में बात करें, सबसे पहले दोस्तों हमें चलना है मैच पर, उसके बाद यहाँ से चलना है क्रिएट टीम पर दोस्तों, और सबसे पहले हम फिल्टर लगाएंगे दिल्ली के ऊपर। दिल्ली की टीम से आपके ए रावत खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों, अनुज रावत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है,
IPL में RCB की टीम से खेलते हैं और अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, दोस्तों तगड़ी हिटिंग कर लेते हैं। बैटिंग सेक्शन से यहाँ से खेलेंगे यश धूल, आयुष बदोनी, ये दोनों खेलते हुए देखेंगे। दोनों IPL खेलते हैं और खेल चुके हैं दोस्तों, एक तो अंडर 19 टीम का कैप्टन भी है दोस्तों। यहाँ से ललित यादव खेलेंगे, ऋतिक शोकिन मेरे टीम में ज़रूर आएंगे नहीं दोस्तों, प्लेयर बहुत बढ़िया है पर मुझे ये पर्सनली प्लेयर बहुत ख़राब लगता है दोस्तों, मैं इनको टीम में नहीं रखूँगा। यहाँ से आपके ईशान शर्मा, नवदीप सैनी, हर्षित राणा, तीन प्राइम बॉलर्स दिल्ली की टीम से आपकी टीम में होने चाहिए। यहाँ से अनुज रावत मेरे टीम में आएंगे, यश धूल और आयुष बदोनी, इन दोनों को मैं एज ए बैट्समैन टीम में रखने वाला हूँ। एक यश धूल जो ओपनिंग करते हैं, अनुज रावत और बदोनी जो मिडिल ऑर्डर संभालते हैं दोस्तों, इन दोनों को रखूँगा। यहाँ से ललित यादव जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे, ये भी मेरे टीम में आएंगे। ईशान शर्मा, नवदीप सैनी, ये दोनों को अभी के लिए मैं रख रहा हूँ। ईशान शर्मा तो मतलब मुझे पर्सनली ये बॉलर बहुत बढ़िया लगता है, बहुत पहले से इंडियन टीम खेल चुके हैं, IPL खेल चुके हैं, मतलब एक्सपीरियंस तो भरपूर है इनके पास, ये मेरे टीम में ज़रूर आएंगे दोस्तों। तो बाकी अगर हम अभी मध्य प्रदेश टीम की बात करें, यहाँ से कौन इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की टीम की बात करें, यहाँ से आपके बॉलिंग सेक्शन में तीन प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। एक तो आ चुके हैं दोस्तों आवेश खान, तो उसके बाद यहाँ से कुलवंत खेजरोलिया और यहाँ से तीसरे कुमार कार्तिक है दोस्तों। तीनों इंपॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं तीनों। यहाँ से बात करें ऑलराउंडर के वेंकटेश अय्यर और SS जैन, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ से बैटिंग सेक्शन की, बैटिंग सेक्शन से कौन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अराजित पाटीदार और SS सोलंकी और विकेट कीपिंग से A रोहेरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो मेरे टीम के कौन से प्लेयर्स जो इंपॉर्टेंट बनेंगे उसकी अगर बात करें, यहाँ से बॉलिंग की टीम्स, बॉलिंग से आवेश खान और K कार्तिक है दोस्तों, स्लो लेफ्टम ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, मुझे ये प्लेयर बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। इनकी बॉलिंग वेंकटेश अय्यर मेरे टीम में आएंगे, यहाँ से R पाटीदार मेरे टीम में आएंगे और बॉलिंग यहाँ से विकेट कीपिंग से A रोहेरा को आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अभी के लिए मैं देखता हूँ मेरे टीम में कमी क्या है, कमी एक बैट्समैन के दोस्तों, कौन से टीम के, मध्य प्रदेश की टीम के। मध्य प्रदेश की अगर टीम की बात करें, यहाँ से बैटिंग में यहाँ से मैं SS शर्मा को अपनी टीम में रख लूँगा, तो ये मेरी टीम की रेडी हो चुकी है दोस्तों। आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, इसमें अगर मुझे कोई चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। बाकी अभी के लिए मेरी टीम का एक बार प्रीव्यू देख लीजिए आप कुछ इस तरह से। यहाँ से C और VC की अगर बात करें, कैप्टन मेरे कौन होंगे, कैप्टन दोस्तों यहाँ से आपके पास ऑप्शंस में बता देता हूँ। सबसे पहले मध्य प्रदेश के बॉलिंग फर्स्ट पर कैप्टन आपके आवेश खान डिफरेंशियल कैप्टन बन सकते हैं, या फिर दिल्ली के बॉलिंग फर्स्ट पर नवदीप सैनी या फिर ईशान शर्मा आपके कैप्टन बन सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट पर क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप बैट्समैन से बनाना चाहते हो, आपके यश धूल एक बहुत बड़ी ऑप्शन है, या फिर आपके वेंकटेश अय्यर आपके बहुत बड़ी ऑप्शन, ये दो आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन बन जाएंगे। मेरे टीम के C और VC की बात करें, अभी के लिए मैं वेंकटेश अय्यर को अपना कैप्टन बनाऊंगा, यश धूल को अपना वाइस कैप्टन बना के ये टीम में सेव करने वाला हूँ। ललित यादव ये जो प्लेयर है, ये आपके लिए डिफरेंशियल C और VC बन सकते हैं, ग्रैंड लीग में आपको ये इनको C और VC बना के चलना है, आपको भी ये चीज़ याद रखनी है। बाकी आप एक बार मेरी टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, कुछ इस तरह से मैंने अपना टीम रेडी कर लिया। बाकी इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।